सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICT के अंदर बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। दोस्तों इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं बाइनरी नंबर्स और डिजिटल नंबर्स के बारे में। दोस्तों क्वेश्चंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पता होगा तभी हम अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, हम यहाँ पे इनका ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, हम बस उतना ही बेसिक चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की। बाइनरी नंबर्स के अंदर दोस्तों दो डिजिट होती है, 0 और 1, कंप्यूटर के अंदर ये यूज होता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 टू वैल्यू यूज होती है, और इनका जो बेस जो होता है उसे हम 2 कहते हैं, 2 से लिखा जाता है। बेस कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर के बारे में दोस्तों, टोटल जो वैल्यू होती है, टोटल डिजिट जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 होती है, ठीक है, इसे ऑक्टल कहा जाता है। और 8 के अंदर क्या होता है, 0 से लेके 7 तक होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 8 डिजिट होते हैं, लेकिन 8 इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर 7 तक हमारी काउंटिंग होती है। अगली आती है दोस्तों हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे दोस्तों टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक काउंट किया जाता है। आप यहां से देख सकते हैं हमने सब कुछ लिखा हुआ है। और आगे बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में दोस्तों ये होता है कि इसके अंदर टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 16 होते हैं। ठीक, 16 के अंदर 0 से लेकर 9 तक, 10 तो ये होगी हमारी काउंटिंग होगी। ठीक है, फिर 11, 12, 13 जो आते हैं, आगे आते हैं, वो ए से एफ तक डिनोट किए जाते हैं। और इसके अंदर जो ए होता है वो 10 के लिए, बी 11 के लिए, सी 12 के लिए, डी 13 के लिए, ई 14 के लिए और एफ 15 के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बार फिर हमने ये टेबल बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होती है जिसमें 0 और 1 होता है, ऑक्टल के अंदर 8 होती है जिसमें 0 से 7 तक होता है, डेसिमल नंबर के अंदर 10 होते हैं जिसमें 0 से 9 तक होते हैं, और हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक हमारे अक्षर होते हैं और ए से एफ तक होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक कौन से नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, तो हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि वो हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर आते हैं। एक बार इसमें से क्वेश्चन आया था। और इसी तरह से ऑक्टल के बारे में पूछ लेंगे कि ऑक्टल के अंदर जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं या फिर 0 से लेके 8 तक होते हैं या 1 से लेके 8 तक होते हैं, तो इस तरह से हमें वो पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। और जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो हमारा आता है जैसे कि कन्वर्जेशन, कन्वर्ट करने का आता है। बाइनरी से हमें डेसिमल के अंदर करना है, ऑक्टल से हमें डेसिमल के अंदर करना है, हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो यहाँ से उठे हैं, यहाँ से आए हैं। तो ये जो वीडियो देखने के आप वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्वेश्चन लगा लो, एग्जाम्पल लगा लो, 1101 ये है हमारा बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस की जो बात कर रहा था मैं, बेस का मतलब होता कि ये देखिए नीचे जो 2 लगा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं। ठीक, बाइनरी नंबर को इस तरह से लिखते हैं हम, और डेसिमल नंबर के अंदर जो बेस होता है वो 10 होता है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका आप देखिए कैसे हम इसे करते हैं। देखिए
इसके अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप है वो बाइनरी जो नंबर है वो हम उसे इस तरह से लिख लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर जो वन है, जीरो है, वन है, फिर जीरो है, इसके अंदर ये देखिए हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो बाइनरी की बात आती है तो हम दो से शुरुआत करेंगे, टू की पावर हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू की पावर यहाँ पे है, इसकी टू की पावर है ज़ीरो, ठीक है, फिर टू की पावर वन है, टू की पावर टू है, टू की पावर थ्री है, ठीक है, यहाँ से हमने इस तरह से लिख लिया। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि टू की पावर ज़ीरो, किस कोई भी हमारा अक्षर हो उसकी पावर अगर ज़ीरो होती है तो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है, टू की पावर वन वो टू के इक्वल होता है, टू की पावर टू चार के इक्वल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, टू की पावर थ्री ये एट के इक्वल होता है। यानी कि सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें जो बाइनरी नंबर दिया है वो इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा बाइनरी है, यहाँ पे देखिए अगर बाइनरी है तो उसका बेस टू होगा, टू है तो टू की पावर हमें इस तरह से लिखते हुए जाना है ऐसे, ठीक है। और फिर टू की पावर जो है वो हमें रियल में लिखनी है कि टू की पावर टू किसके इक्वल होती है, टू की पावर थ्री किसके इक्वल होती है, तो इस तरह से हमें सभी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ क्या होगा। अब देखिए स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये जो हमने ऊपर जो वैल्यू लिखी थी ये देखिए ये, और जो हमारा बाइनरी नंबर था ये था, सबसे पहले बाइनरी नंबर लिखेंगे, ठीक है, और फिर हमारी ये जो वैल्यू आई थी ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख ली। और जो हमारा जो बाइनरी नंबर है उसको नीचे जो वैल्यू आई है अपने टू की पावर ज़ीरो, टू की पावर एक, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री करने से, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक को एक से गुना करने से एक आता है, ज़ीरो को दो से गुना करने पर जीरो आता है, ठीक है, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। यहाँ तक ये स्टेप करना है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले तो हम जैसे ये लिख लेंगे, इसके अंदर बाइनरी नंबर लिख लेंगे, ये लिख लिया, ठीक है, फिर टू की पावर है वो इस तरह से लिखते जाएंगे, जितने हमारे आगे चलते जाएंगे यहाँ पे उस तरह से टू की पावर लिखते जाएंगे, फिर टू की पावर को इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगला जो स्टेप है उसके अंदर ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, ये हमारी जो वैल्यू थी वो होगी, ठीक है, अब बाइनरी नंबर्स को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री के अंदर, अपने स्टेप नंबर टू के अंदर जो ये वैल्यू आई है इन सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करने पे 13 आता है, ठीक है, तो ये जो 13 हो गया ये हमारा डेसिमल नंबर होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा 1101, बाइनरी नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो 13 इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर है। तो यहाँ से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, तो वहाँ से आप करके देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आगे ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है 11218, इसका बेस है, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर के अंदर। तो इसके अंदर भी सबसे पहले वही चीज़ हमें करनी है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसे हम इस तरह से लिख लेंगे ऊपर 1212, ठीक है, और फिर ये देखिए ऑक्टल की हम बात कर रहे हैं, ऑक्टल के अंदर बेस 8 होता है, ठीक है, तो उस 8 को यहाँ पर लिखेंगे और उसकी पावर हम लिखते जाएंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम इस पावर को कन्वर्ट करेंगे रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो रियल वैल्यू है दोस्तों इसकी इन सभी की आएगी ये, हमने यहाँ पे लिखा था पता नहीं क्यों नहीं आया पीडीएफ में, चलो कोई नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 की पावर 0 करते तो 1 आता है, मैंने बताया था कि कुछ भी हम कोई भी हमारा अक्षर है उसकी पावर 0 करते तो वो 1 आता है, 8 की पावर 1 आएगा 8 के इक्वल, 8 की पावर 2 8 64, ठीक है, 8 की पावर 3 आएगा 512 के इक्वल आएगा, इस तरह से हमें ये लिखनी है।
और अगला जो स्टेप होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अगले स्टेप में हमें क्या करना है। अब ये देखिए कि अगले स्टेप में क्या होगा, हमारी ये जो वैल्यू थी हम ये इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और 8 की ये पावर करने से हमारे पास ये जो भी आई है, जो भी आया है इन सभी की पावर करने से ये आ गया हमारा, ठीक है। वही स्टेप हमें करना है जो हमने बाइनरी नंबर्स में किया था कि जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसको जो रियल वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 की 1 के साथ करेंगे 1, 2 की 8 के साथ 16, 1 की 64 के साथ 64, 1 की 512 के साथ में करेंगे तो 512 ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो हमारी ये वैल्यू आई है 512, 64, 16 और 1, इन सभी को स्टेप नंबर 3 के अंदर हम प्लस में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इन सभी को जब हम प्लस करते हैं तो 593 आता है, ठीक है। 593 आने के बाद में ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1121 ऑक्टल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे जब डेसिमल के अंदर तो हमारा आंसर ये आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्टल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बारी आती है दोस्तों, हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया है कि AC9 और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि A का मतलब क्या होता है। A का मतलब होता है 10 होता है, हमने पहले दिखाया था आपको, और C का मतलब होता है 12 होता है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम शुरुआत में आते हैं, ये यहाँ पे ये देखिए ये 9 हो गया, A का मतलब 10 हो गया, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये। तो हमें इसमें भी क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले जो A की वैल्यू है वो लिखेंगे, C की वैल्यू है वो लिखेंगे, 9 का तो 9 होता है ये हमें पता है, ठीक है। और अब बात आती है इसके अंदर, जैसे कि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्सा का मतलब होता है दोस्तों 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इस तरह से हम लिखेंगे। और अब इन पावर्स को हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, 16 की पावर 0 होती है 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256, इस तरह से ये होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, यानी कि ये जो स्टेप है हमारा ये पहले जो था वैसे ही रिपीट हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो वैल्यू लिखी थी ऊपर, जो वैल्यू लिखी थी ये देखिए, ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर ये पावर्स को कन्वर्ट करने के बाद में अपनी वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, 12 को जब 16 के साथ करेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 को जब 256 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। और स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें पता ही है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इन सभी को हम प्लस कर देंगे। इन सभी को प्लस करने पे 2761 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि AC9 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो 2761 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को आप डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ये हमने बता रखा है इसके अंदर। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमने पहले वीडियो डाली थी उसके अंदर बताया था कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इससे वापस यानी कि उल्टा देखेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में
कैसे करेंगे और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन पेपर में वो क्या कहेंगे कि जैसे डेसिमल नंबर दे देंगे, वो 12 दे देंगे, 13 दे देंगे या 25 दे देंगे, इस तरह से दे देंगे और वो कहेंगे कि इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि क्या क्या हमें करना है। देखिए सबसे पहले हम ये आप देख सकते हैं कि 13 जो दिया हुआ है, 13 डेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है दोस्तों, ये होती है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है अपना 13 जो ये डेसिमल नंबर है ये, इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और इसको फिर इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं, हम एलसीएम वगैरह निकालते थे, थोड़ा उस टाइप में हम इसे लिखेंगे। ठीक, इस स्टेप में आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 13 हमने 13 यहाँ पे लिख लिया और 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी है और बाइनरी का बेस होता है 2 होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि 2 से ये देखते हैं कि 13 है वो कहाँ तक जाता है, तो हमें पता है कि 2 6 12 होता है। ठीक है, ये 6 तक जाता है, तो 2 6 12 हमने किया और यहाँ पे एक हमारा शेष रह गया, कैरी एक रह गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें इस रो में हमें क्या लिखना है कि जहाँ तक वो काउंटिंग जा रही है, जहाँ तक टेबल जा रही है, वो यहाँ पे हमें लिखना है 2 6 12। ठीक है, 6 लिख दिया और यहाँ पे अपना जो शेष रह रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि आगे पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब ये देखिए हमने सबसे पहले 2 6 12 किया और शेष कितना रह गया हमारे पास, 1। जो 1 रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया इस साइड में रेड कलर में, इस साइड में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगली बारी आती है इसकी, ये जो 6 रह गया तो ये कितने पे जाता है दोस्तों, 2 3 6। ठीक है, और 2 3 6 हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया दोस्तों हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते शेष हमारा 0 रह गया। अब बात आती है ये 3 3 किस पे जाता है दोस्तों, 2 1 2। 2 1 2 करने से शेष हमारे पास क्या रहता है, वो रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है 1 की। अब देखिए 1 जो है ये है, ये इससे ये तो 2 से छोटा है। ठीक है, तो लास्ट के अंदर ये ही डिजिट हमारी रह जाएगी अगर हम शेष मान के चले या कुछ भी मान के चले, यानी कि इससे ज़्यादा हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि ये जो 13 है ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, 1 पे आके रुक जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए स्टेप नंबर 2 के अंदर अगला जो स्टेप नंबर है अपना, इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो स्टेप था ये हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारी की सारी टेबल लिखी, यानी कि 2 को 13 को पहले 6 पे गया, 2 6 12 एक शेष रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेड कलर में अपने पास जो डिजिट आई है, ठीक है, उसे हम नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, जैसे ये मैंने एरो दिखा रखी है ऐसे हम लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 1101, यानी कि ये जो आंसर है ये आ जाएगा। पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, इस तरह से हम डिजिट लिखेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। तो अब देखिए ये हमारी डिजिट होती है, ये हमारी डेसिमल नंबर होता है 13। ठीक है, 13 को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, तो इसके अंदर जैसे ये हमने लिख लिया, ये जैसे एलसीएम के टाइप में हम लिखते हैं, तो अब हम 13 को डिवाइड करेंगे कहाँ तक ये जाता है, तो 2 6 12। ठीक है, शेष रह गया हमारा ये, जो हमारा शेष रहता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और जिससे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और अब इस स्टेप में देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2 6 12 शेष रह गया 1, 2 3 6 और शेष रह गया 0, 2 1 2 शेष रह गया 1, ये लास्ट यानी कि 1 तक ये जाएगा। और अब अगले स्टेप में क्या होगा
कि ये जो अपना आया है, ये जो स्टेप आया है, ये स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और नीचे नीचे से हम जो डिजिट है वो लिखते हुए जाएंगे, 1101, इस तरह से हम ये इसे लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, उसके ज़रिए हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जैसे ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर के अंदर अपना जो बेस होता है वो 8 होता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें हमने जो ये हमारा डेसिमल नंबर था इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। और इसे फिर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जो हम एलसीएम वगैरह लेते हैं उस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब इसमें वो ही काम करना है जो हमने पहले किया है, बाइनरी नंबर में किया था वो ही करना है। अब हम ये देखेंगे कि 593 है ये 8 की टेबल में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आप ये देख सकते हैं, जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 592 आ रहा है, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया, 74 को 592 आया, और शेष हमारा रह गया दोस्तों 1, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमें करना है। यहाँ से आपको पहला स्टेप समझ में आया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। अब देखिए 8 को हमने सबसे पहले 74 से किया तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 74 हमारे पास रह गया, 74 को हम कहाँ तक कर सकते हैं। जब हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नियमा 72 होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 72। और जब 74 में से 72 जाएंगे तो इसका जो शेष है वो 2 रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 9 रह गया, 9 के लिए क्या करेंगे हम, 8 एकम 8 होता है, तो यहाँ से हमारा जो शेष है वो 1 रह जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 रह जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पे बचा 1, तो 1 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, 8 से भाग नहीं दे सकते, तो हमारी ये जो है यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगी प्रोसेस। और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमने जो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी है, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, वही जो हमने पहले किया है, नीचे से लेके ऊपर तक की जो डिजिट है वो लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और फिर 1 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा, 593 डेसिमल नंबर है, इसे जब हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1121, ठीक है। और दोस्तों हमने जो पहली जो वीडियो आई थी उसके अंदर बताया था कि 1121 को डेसिमल नंबर में, यानी कि इसके अंदर 593 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हमने पहले बताया। तो अगर कोई किसी को वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर की, कि डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी दोस्तों आसान है अगर हम करके देखें तो। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, 2761 एक डेसिमल नंबर दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में हमें पता है कि जैसे इसका बेस होता है 16 होता है, 16 होता है, तो हमें डिवाइड करना है 2761 को, वो 16 से डिवाइड करना है। तो इसमें वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम देखेंगे कि 2761 जो है, 2761 वो 16 की टेबल में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डिवाइड करके देखोगे तो 16 को जब हम 172 से मल्टीप्लाई करते तो 2752 आता है, यहाँ पे इतना आता है, ठीक है। और जब हम 2752 में से, सॉरी जब हम 2761 में से 2752 माइनस करेंगे तो इसका 9 शेष रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप हमारा ये है, इसके अंदर क्या है कि हम पूरी प्रोसेस करेंगे। जब 16 को हमने 172 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो शेष है वो 9 रह गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 172 16 की काउंटिंग में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये डिवाइड होता है। तो हम जब हम 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आता है हमारा,
ठीक है, और 160 आने पे हमारा जो शेष है वो रहेगा 12 शेष रह जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, और फिर हमारा जो ये डिजिट रहेगी 10 रहेगी, तो हमें पता है कि 10 है वो 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारी इसकी जो प्रोसेस है वो यहीं तक रह जाएगी 10 तक। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, यही हमने स्टेप यहाँ पे फिर लिखा। अब देखिए मैंने बताया था कि पहले भी हम नीचे से चलते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक चलते हैं, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले 10 लिखेंगे, ये 10 लिख दिया, फिर 12, 12 लिख दिया, फिर 9, 9 लिख दिया। ठीक है, और अब देखिए जो 9 डिजिट होते हैं वो 9 के इक्वल ही होती है इसके अंदर। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स वगैरह के अंदर जब हम बात करते हैं तो, और 12, 12 के अंदर मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल के अंदर 12 की जो वैल्यू है वो क्या होती है और 10 की वैल्यू क्या होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने पूरी लिखी हुई है। 10 का मतलब होता है ए, 11 का मतलब होता है बी, 12 का मतलब होता है सी, इस तरह से ये सभी आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये अपना जो 10 है इसका मतलब हो जाएगा ए, 12 मतलब है 12 का हो जाएगा सी, 9 का 9 रहेगा। तो हमारा 2761 डेसिमल है इसका हेक्साडेसिमल आएगा ए सी 9, ये आएगा अपना, यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप हेक्साडेसिमल को भी बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, हम उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इन्होंने डेसिमल नंबर 81 को दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर के अंदर, इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना होगा। सबसे पहले हम 81 लिख लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जब जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम के अंदर लिखते हैं उसी तरह से हम इसे लिखेंगे। ये हमने लिख लिया, ये लिखा हमने 81, और अब बताइए हम इसे डिवाइड किससे करेंगे। ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस होता है 8, यानी कि 8 से हम इसे डिवाइड करेंगे। और अब हम देखते हैं कि ये कितने पे जाता है, कहाँ तक इसकी वैल्यू जाती है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले 8 एकम 8 गया, ठीक है, और फिर 10 यानी कि 10 पे गया। जब हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, और हमारा शेष कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यानी कि 8 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दए 80, और 81 में से 80 माइनस करेंगे तो 1 अपना शेष रह जाएगा। अब आगे बात आती है 10 की, तो 10 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 10 कितने पे जा रहा है, 1 पे, 8 है कम 8, तो हमारा शेष कितना रह गया दोस्तों, 2। ठीक है, और अब अगला अपना स्टेप क्या होगा, हम नीचे से लेके ऊपर तक इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 2, 1, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये करना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। ये देखिए दोस्तों हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में आया था। तो इसके अंदर ये दिया है कि हमें डेसिमल नंबर है 17, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास बाइनरी हो, बेस यानी कि 2 हो, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर ऑक्टल हो तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो 2 से सबसे पहले करेंगे 8 पे, 2 8 16 और कैरी रहेगी हमारे पास 1, 2 चौके 8 रह गया 0, फिर 2 दूनी 4 रह गया 0, फिर 2 एकम 2 और रह गया 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीचे से ऊपर मैंने बताया था आपको, तो 1 0 0 0 1, तो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी।
1001, ये हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे इस कैसे क्वेश्चन आया है। और दोस्तों अब ये देखिए, दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था। इन्होंने कहा है बाइनरी इक्विलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज़, यानी कि 35 है इसका हमें बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो बाइनरी की वही बात आती है कि 35 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने 17 को डिवाइड किया था, तो वो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। आप देखो सबसे पहले हम 35 को करेंगे, तो 35 ऐसे कर लिया हमने, बाइनरी है, बाइनरी मतलब होता है 2 बेस, यानी कि 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा 17 पे, 17 × 2 = 34 और शेष रह गया हमारे पास 1, ठीक है। और फिर ये 17 की, अब ये देखिए हमारे पास ये 35 था, 35 का हमने कर दिया 17 कर दिया। और इसके बाद में ये जो है ये हमने आपको पीछे अभी दिखाया था, जस्ट अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने यहाँ पे दिखाया है ये सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा और शेष रह जाएगा हमारे पास 1, फिर 8 से करेंगे 2 × 8 = 16, फिर रह जाएगा 1, फिर 4 से करेंगे 2 × 4 = 8, 0, 2 × 2 = 4, 0, 2 × 1 = 2 और 0, और नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये सब करना, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड है, इसमें बस एक थोड़ी सी बड़ी डिजिट दे दी, उसी के रिलेटेड डिजिट दे दी। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरह का क्वेश्चन आया है। अब देखिए ये दिसंबर 2014 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर कहा है कि ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंबल ए टू एफ आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, दो वीडियो में, जो ए से एफ तक होते हैं तो वो किस में होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें 0 से लेके 9 तक होते हैं और ए से लेके एफ तक होते हैं। तो ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है अपना। तो कितना आसान आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी कर ही लिया, ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम और देखते हैं, अब ये देखिए दोस्तों जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया 47। इसके अंदर इन्होंने 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। 25 डेसिमल नंबर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वही हम करेंगे। 25 यहाँ पे हमने लिखा और इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 12 पे, 12 × 2 = 24, 1 रह गया, 2 × 6 = 12, 0 रह गया, 2 × 3 = 6, 0 रह गया, 2 × 1 = 2 और यहाँ पे रह गया शेष। और फिर क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक हम इसे लिखेंगे, तो क्या आएगा, 1100 और 1, इस तरह से अपना आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान है। और अब हम और देखते हैं कि और इस तरह इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसके अंदर 42 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर 47 था, इसमें 25 कहा है, इसमें इन्होंने 51 के बारे में कहा है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 48 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 11000 के है तो डेसिमल नंबर 51 किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है, यानी कि 48 है वो 11000 बाइनरी नंबर के इक्वल है तो 51 नंबर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें दोस्तों, आप ध्यान से देखना, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 25 किया था और ये क्या है, ये एक स्टेप बढ़ा के इन्होंने दे दिया। अब देखिए हम इसे करके देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब 51 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 पे, 25 × 2 = 50, शेष रह गया 1, फिर 12 × 2 = 24 रह गया 1, यानी कि ये देखिए ये सारा का सारा हमारा पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ही रिपीट हो रहा है,
ठीक है। और पहले भी आपने देखा था कि 35 का किस तरह से रिपीट हुआ था, वो 17 वाला रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमने 25 को किया, 12 पे गया, शेष रह एक रह गया। अब देखिए 12 को हम करेंगे, 2 6 12 जीरो रह गया, 2 3 6 जीरो रह गया, 2 1 2 और जीरो रह गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है हमारे लिए करना। और एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनसे कहीं ना कहीं मिलते जुलते रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया है, इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट्स के अंदर जो दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर 2 S जो दिया है, इन द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शन पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू इज़ 0.625। दोस्तों इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन करके देखिए, अभी मैंने आपको जितने करवाए हैं आप खुद करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जनवरी 2017 के बाद में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया, और फिर सीधा डायरेक्ट 21 जून 2019 को ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। और ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसे देखिए। इसमें इसने कहा है कि व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया है और इसका हमें डेसिमल नंबर निकालना, वो हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें पहले ये देखना होता कि वो जो नंबर है वो किस में दिया है। यहाँ पे इन्होंने बाइनरी नंबर में दिया है, तो अगर बाइनरी हो तो हमें 2 बेस होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ऑक्टल हो तो 8 से। तो इसे हम बिल्कुल आसानी से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी जो डिजिट है वो सभी की सभी लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 और 0 यहाँ पे लिख ली, और फिर 2 की पावर लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 यहाँ पे हमने लिख ली। और अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पावर है पावर को कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर 1 होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 ये हो गया 2 हो गया दोस्तों, 2 की पावर 2 4 हो गया, और ये 2 की पावर 3 होता वैसे 8 है, और 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये भी 0 आएगा हमारे पास, और 2 की पावर 5 होता है 32 होता है दोस्तों हमारे पास, और 2 की पावर 6 होता है 64 होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं, और इन सभी को प्लस करने के बाद हमारे पास दोस्तों जो आंसर आएगा वो 102 इसका आंसर आएगा, 102, और 102 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसी में एक डिजिट फालतू दे देते हैं तो किसी में कम दे देते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप करने की कोशिश करना, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।